ललिता सहस्रनाम, धन की कमी से यदि जूझ रहे हैं तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करो। और ललिता सहस्त्र नाम कहाँ आया पूछो, तो ललिता सहस्त्र नाम आया ये रहा ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण में है ललिता सहस्त्र नाम। और ललिता माँ ललिता विष्णु की माया है। माँ ललिता की एक दिन कथा सुनाऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा कहां से कहां अभी। तो ललिता सहस्त्र नाम, धन की कमी हो और धन की कमी हो तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिए। माता लक्ष्मी का अष्टोत्तर सहस्त्र जो है, सतनाम जो है 100 नाम, उसका भी आप आराधना कर सकते हैं, 100 नाम के पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का जो सहस्र नाम है वो आपको गीता प्रेस के सारे सहस्र नामों का एक मोटा मोटी सी पुस्तक आती है, इसमें सारे सहस्र नाम है। तो ललिता सहस्र नाम भी, विष्णु सहस्र नाम भी, शिव सहस्र नाम भी, गणेश सहस्र नाम भी, लक्ष्मी सहस्र नाम भी, तो वो आप ले लीजिए। और उससे आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी का या ललिता देवी का आप शाम को नहा हुआ के, शाम को लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, ध्यान पूजन करके नहा के ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये राव साहब केन राव बताया करते थे ललिता सहस्त्र नाम के लिए, तो आप वो कर सकते हो। बाकी सब चीज का तारक मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम तो है ही, वो तो तारक मंत्र है, लेकिन शुक्रवार को आप लोग लक्ष्मी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य कीजिए, क्योंकि बिना धन के धर्म की यात्रा नहीं होती, ये सच है, यही सही, यही सच है। और आपको कम्युनिस्टों ने पढ़ा दिया कि धन नहीं, और आप भी कन मन में तो है धन लेकिन बाहर नहीं, अरे मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा भारत वैभवशाली रहा, भारत के परमात्मा भगवान राम स्वर्ण मुकुट पहनते रहे, कृष्ण स्वर्ण मुकुट पहनते रहे, हमारे भगवान राजा कुल में क्यों जन्म दिए, उन सब के 1400 और 1500 वाले जो अब्राहमिक बाद है उनके तो गरीबी में से पैदा हुए, लूटना पड़ता था, ये राजा क्यों हुए? क्योंकि धन की चिंता से मुक्त होकर ही धर्म की यात्रा की जा सकती है और धर्म की स्थापना की जा सकती है। जो स्वयं को ही दरिद्रता में अपने जीवन परिवार को पालने में लगा रहेगा वो कैसे धर्म की यात्रा कर पाएगा? शास्त्र में लिखे हैं कि विद्वानों को क्या देना चाहिए, तो विद्वानों को धन देना चाहिए ताकि वो समाज की सेवा कर सके अपने ज्ञान से, वरना वो अपने रोजी रोटी के में ही रह गया तो वो कभी भी समाज को ज्ञान नहीं दे पाएगा। लेकिन हमने सरस्वती के उपासकों को दरिद्र बनाकर रख दिया, और वो भी झोला टांग के दरिद्रता के भेष में घूमते रहे। बिना धन धर्म की यात्रा संभव नहीं, ये आपको शास्त्र कहते हैं। एक एक शास्त्र का उदाहरण दे दूंगा। इसलिए धर्म धन की माता लक्ष्मी की उपासना अवश्य कीजिए। कोई आपसे कहे, आप आराम से कहिए कि हाँ मैं माता लक्ष्मी की का उपासक हूं। धन की, हमारे यहाँ धन की देवी हैं, बाकी सब दरिद्रों के यहाँ कुछ नहीं है। दरिद्रों ने अमेरिका में सब क्या क्या सब बता लिया और आपको कहते हैं धन नहीं, मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। और मिले तो सबसे पहले देखेंगे दाएं बाएं और जेब में गटक। जितने बाबा हैं कहते हैं मेरी जेब में पॉकेट नहीं है, तो जट भी मान से कैसे चलते हो, ऐसे क्यों ठगते हो अपने भक्तों? मेरी जेब में पॉकेट नहीं है तो जेट विमान से क्यों चलते हो? चलो धन रहेगा आपके पास तो आप कहीं की यात्रा में समय बचा सकते हैं। समय बड़ा मूल्यवान है, असली मूल्यवान समय है। तो धन रहेगा तो आप समय बचा सकते हो, धन रहेगा तो आप धन की यात्रा कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो। धर्म को आज इतने इतने शास्त्र पढ़ने के लिए कितने पैसे लगते होंगे? धन नहीं होगा, आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं भरोगे तो ये पढ़ाई कहां से करेगा लोग? यही मैं कहीं नौकरी करता अखबार में तो सैलरी ले रहा होता ना, तो अभी मैं पत्रकारिता में सीधे जनता की नौकरी कर रहा हूं, तो ये मेरी इनकम है ना भाई। लोग कहते कहां तक कमाते, मैंने कहा इनकम है मेरी,
मैं कोई एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं हूं कि डोनेशन मांग रहा हूं। यही पत्रकारिता मैं किसी दैनिक जागरण के लिए करूं तो दैनिक जागरण का मालिक सरकार के विज्ञापन से पैसा कमाएगा, कॉर्पोरेट से पैसा कमाएगा और मुझे तनख्वाह देगा। यही पत्रकारिता मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं पैसा कमाना चाहिए भाई? इसलिए बिना लक्ष्मी के आप हिंदू धर्म को दरिद्र बनाने का प्रयास किया गया ताकि ये खड़े ना हो पाए और हमारे सारे ज्ञान छीन लिए। और आप कहते रहे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा लगता है लोग शर्माता हो कोई चीज अगर, मतलब स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि धन वालों को देख के लोग गाली देता है। ये कम्युनिस्ट माइंडसेट है या ब्राह्मिक माइंडसेट है? वो लूटता था अरब वाला, वो लूटने की प्रवृत्ति कम्युनिस्टों की या ब्राह्मिकों की, आप में कहां से आ गया? हमारे यहां तो दानवराज बलि भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा थी, खजाना पूरा रोज लुटा के दान करता और अगले दिन खजाना बढ़ जाता। और धन का दान करने से ही मां लक्ष्मी, मां लक्ष्मी गतिशील है। कहा गया है पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए, पुरुष प्रधान मतलब सबसे वृद्धात्मा, आप जैसे भगवान विष्णु का एक नाम है वृद्धात्मा, सबसे पुरातन वही सनातन। और उनकी पत्नी सागर की राजतन्या, समुद्र तन्या, उनका एक नाम वही भी है माता लक्ष्मी का। तो माता लक्ष्मी चंचल हैं, यानी उनका प्रवाह है, उसको ऐसे रखोगे तो वो धन डेड मनी है। प्रवाह जब तक लोगों तक नहीं ले जाओगे तब तक ना आपका कल्याण है ना समाज का कल्याण है, किसी का कल्याण नहीं। इसलिए राजा बलि पे एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बात कर रहे थे, सब शास्त्रों से बता रहा हूं, ये मत कहना कि आपको सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे देवी आपकी बड़ी कृपा है इस पे। तो बोले कि होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरे द्वारा इस समाज को मतलब धनवान बना रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधार रहा है, इसलिए राजा बलि पर मेरी कृपा है। तो माता लक्ष्मी की कृपा थी राजा बलि पर, इसलिए भगवान विष्णु ने उसको पाताल लोक सुलोक का राजा बनाया और अष्ट चिरंजीवी में वो जीवित हैं, क्योंकि वो मां लक्ष्मी का उपासक था, वो जीवित हैं। राजा बलि दानव वंश से अष्ट चिरंजीवी में वो जीवित हैं। और जो ये आपको फटीचरगिरी सिखा गए उसमें से किसी का वो अस्तर नहीं है, जो दानव वंश में पैदा हो गए राजा बलि आज धर्मात्मा माने जाते। इसलिए लक्ष्मी माता को और कहोगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो कभी तुम्हारे यहां नहीं। अब कोई अतिथि को कहोगे हमको आप कि नहीं आप मेरे घर मत आइए, तो आपके घर आएंगे? तो जब तुम आप लोगों को दिखाने के लोगों को नहीं नहीं मुझे धन नहीं चाहिए तो आपके घर आएंगे? माता क्यों आएगी आपको? धन की बड़ी सुंदर व्याख्या है समाज, हमारे यहाँ देवताओं के खजानची है कुबेर। तो जिस धर्म के में धन की देवी है मां लक्ष्मी, उसके लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको दरिद्रता अब्राह्मिकवाद ने दिमाग में भर दिया, इसलिए फ्री बांटता चल रहा है। अगर सनातन धर्म एकम सनातन की सत्ता आई तो ये जो 80 करोड़ लोगों को इसने भिखारी बना दिया, उसके स्वाभिमान को कुचल दिया। जिंदगी भर वो लेता रहेगा तो भीख ही तो मांग रहा है वो, ये दान अपने घर से तो नहीं कर रहा, ये दान नहीं कर रहा, ये संसाधन लुटा रहा है सर लोगों के। तो उन भिखारी की जगह उनको स्वरोजगार स्थापित करके अगर दे दिया तो वो 1 से 4 को रोजगार देंगे। यही भारत का गिल्ड सिस्टम था जिसको जाति कहा गया, तब जाकर 30% और 60% जीडीपी दे पाते। और आज पहले से बच्चे का भविष्य सुरक्षित होता था, 4 लोगों को रोजगार देते थे, आज आरक्षण में धकेल दिया, नौकरी में धकेल दिया, आपका सब छीन के मलच्चों को दे दिया, उसको पैसे वाला बना दिया। इतनी चालाकी से सिस्टम ने काम किया है, ये जो बेकार का पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का आजादी स्वतंत्रता के बाद से। इसलिए अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन, नहीं तो विलोप हो जाओगे नाना नाना दाना दाना कर। मूल सनातन के फ्लेवर को पहचानो। मैं मूल सनातन की बात करता हूं इसलिए मुझे गाली बहुत पड़ती है, क्योंकि ये किया गया कि सनातन तक सनातन धर्मियों की पहुंच ना हो। क्योंकि जिस वक्त आपको अपने पूर्वजों के, अपने देवताओं के
कृत्य तक पहुंचोगे, वहीं से आपका आत्मगौरव जग जाएगा। और जब आत्मगौरव जग जाएगा तो आप दुनिया बदलने की शक्ति अपने अंदर अर्जित कर लोगे, और आप अपना जीवन तो बदल दोगे, और आप अपना जब जीवन बदलोगे तो समाज का जीवन बदलेगा। आपके हाथ में नहीं है समाज और राष्ट्र बदलना, ना आप अपना जीवन को समृद्ध बनाओ तो समाज समृद्ध हो। 5 लोगों को रोजगार दोगे, आज इंडिया स्पीक्स डेली में इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, और ये जो सबको डोनेशन देते सब घूम रहे हो, ये एक को भी रोजगार देता है? एकम सनातन ने 10 लाख के अंदर उस दिन बिल दिखाए थे, 3 दिन का इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम लोगों को रख के कर दिया। ये जो जितने तथाकथित हिंदू 14 के बाद बुलबुले पैदा हुए हैं, 30 लाख 60 लाख लोगों से वसूलते हैं एक दिन के प्रोग्राम के लिए लूट, और आपका तो समाज को ये लोग दरिद्र बनाने का काम कर रहे हैं, स्वयं को भी। और अच्छा, जो चोरी से धन कमाएगा दान दान मान के, तो वो अपने आप पे भी खर्च करने में उसको दिक्कत होता है, तो चोरी से कमाए तो छुपाता रहेगा, तो धन डेड मनी हो गए, ये लोग कहीं पूछ ना ले। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे यहां बिहार में कहावत है कि गेंडा ओढ़कर घी पीते, ऊपर से चिथड़ा ओढ़ लेंगे और घी पियेंगे, क्योंकि घी पीने की असलियत लोगों को पता ना चले तो चिथड़ा ओढ़ते हैं, वो वास्तव में जीवन ही नहीं जी पाते। तो आप संतुलित सनातन जीवन जिए। सनातन मतलब ऐश्वर्य, भगवान जो हमारे ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है, जिसमें ऐश्वर्य हो वो ईश्वर है। और जब आपके जीवन में ही ऐश्वर्य नहीं है तो ईश्वर क्यों आपको आपको कृपा करेगा जी? आपके अंदर ईश्वर क्यों प्रकट होगा? आपके अंदर ईश्वर क्यों बरसेगा? आपसे ईश्वर क्यों प्रसन्न रहेगा जब आपके जीवन में ऐश्वर्य नहीं? इसलिए अपने सनातन को धारण कीजिए, इससे सुंदर कुछ नहीं है।